वेलकम टू हॉलीवुड कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस छः दिन के अंदर मैंने बात करी कही थी आपको करवाने की अरबी मेन्स के लिए तो आपको फोर सेशन आज मिल रहा है ठीक है टारगेट रखिएगा फिफ्टीन बाय ट्वेंटी क्योंकि इतना अचीवेबल भी है ठीक है ट्वेंटी मेरा कहने का मतलब यह है क्योंकि क्वेश्चन फोर्टी आएंगे लेकिन मार्क्स ट्वेंटी के ही होंगे ठीक है हर क्वेश्चन आधे नंबर का होता है तो आर बी मेन्स की अगर हम बात करें तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको इसको अच्छे डीप में पढ़ने की ज़रूरत है डी बी एम एस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ना पड़े चल जाएगा लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता होने चाहिए ठीक है तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है आउटपुट डिवाइस इज़ ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट फ्रॉम इन टू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र क्योंकि कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में समझता है और बाइनरी लैंग्वेज में ही डाटा आउटपुट देता है लेकिन हमें तो बाइनरी लैंग्वेज में डाटा नहीं चाहिए हमें तो हमारी अकॉर्डिंग डाटा चाहिए ठीक है तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस के अंदर जो प्रोग्राम्स की प्रोग्रामेबल होता है ठीक है जो प्रोग्राम्स डाले होते हैं वो कन्वर्ट कर देता है यूज़र फ्रेंडली आउटपुट के अंदर ठीक है तो कुछ अगर हम आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर सबसे बड़ी बात है क्योंकि मॉनिटर के बिना कंप्यूटर अधूरा है विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो भी बोला जाता है इसे वीडियो को फॉर्म याद रखिएगा वर्चुअल नहीं है विजुअल है कई बार वर्चुअल बोला जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा दोनों हो तो विजुअल चुनीएगा दीज आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इट फॉर्म्स इमेज फ्रॉम टाइनी डोट्स टाइनी डोट्स से मिलके जो इमेज बनी होती है उसे सामने दिखाता है आपको जिन्हें पिक्सल बोला जाता है ठीक है अरेंज इन अ रें रेक्टेंगुलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं ये डोट्स उनसे मिलके एक इमेज बनी होती है जो जितनी शार्पन्स ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना ज़्यादा साफ दिखेगी आपको उतनी शार्प इमेज होगी ठीक है देर आर टू काइंड ऑफ व्यूइंग स्क्रीन यूज फॉर मोनिटर कौन से टाइप की होती है एक होती है फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक होती है सी आर टी का थर्ड रेडियो फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको सी आर टी डिस्प्ले इज़ मेडअप ऑफ स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स कोल्ड पिक्सल द स्मॉलर द पिक्सल बेटर द इमेज क्वालिटी रेजोल्यूशन जितना स्मॉल होगा पिक्सल ठीक है पिक्सल ज़्यादा होना और जितना स्मॉल होना में फ़र्क होता है ठीक है एक हज़ार अस्सी पिक्सल एक हज़ार अस्सी पिक्सल और सात सौ बीस पिक्सल 720 से अच्छी क्वालिटी है एक हज़ार अस्सी पिक्सल ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या होता है पिक्सल स्मॉल होते हैं इसलिए इसे एक हज़ार अस्सी पिक्सल की कैटेगरी में रखा जाता है जितना छोटा होगा पिक्सल उतना ज़्यादा आपको क्वालिटी दिखेगी ठीक है फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम वेट पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू सीआरटी सीआरटी टी सी आर टी बस याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये है प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट मतलब इंप्रेशन जमाने वाला अपना ठीक है प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं पेज के ऊपर प्रिंट आउट लेने के लिए ठीक है तो इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको नाम से बता दिया कि जो अपनी छाप छोड़ देते हैं छाप छोड़ते हैं मतलब वो रिबन का स्ट्राइकिंग होता है करेक्टर्स का स्ट्राइकिंग होता है पेज के ऊपर जिससे पेज के ऊपर वो प्रेस होते हैं और वो छपके आते हैं अक्षर नॉन इंपैक्ट लाइक लेजर प्रिंटर हो गया उसमें लेजर के थ्रू होता है कोई चीज टच नहीं करती सिर्फ लाइट ही है क्योंकि यही यूज किए जाते हैं नॉर्मली आज की डेट में ठीक है तो नॉन इम्पैक्ट में क्या है करेक्टर्स छापे जाएंगे लेकिन विदाउट एनी रिबन दीज प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट ए टाइम सो दे आर ऑल्सो एज पेज प्रिंटर नॉन इंपैक्ट को पेज प्रिंटर बोला जाता है लेजर प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर इंक डाल दिए जाते हैं ठीक है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड हो गया आई हो गया विंडोज़ हो गया तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो चलाते हैं ठीक है कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर यूज़र इंटरफेस यहाँ यूज़र बैठा है ठीक है फिर फाइल मैनेजमेंट फाइल जो भी है आपका डाटा वो स्टोर होता है ठीक है फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं लाइक कंप्यूटर कंप्यूटर के कौन से हो गए की हो गया ठीक है प्रिंटर हो गया फिर मेमोरी मैनेजमेंट जो भी डाटा आपने दिया है वो मेमोरी में भी जाता है प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और जो सबसे छोटा पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का उसे कर्नेल बोलते हैं याद रखिएगा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कर्नेल बोलते हैं इसे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो बैच ऑपरे जितना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उतना ज़्यादा उस सिस्टम की स्पीड होगी या परफॉर्मेंस होगी ठीक है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डोंट इंटर एक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली नहीं होता ईच यूजर प्रिपेयर्स हिथ जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड एंड सबमिटेड टू द कंप्यूटर ऑपरेटर हर एक बैच ऑपरेटिंग का मतलब ये है हर डि अलग अलग डिवाइस को अपना अपना काम सौंपा गया है वो अपना अपना काम भेज देते हैं आगे बाद में वो आउटपुट पर मिलता है ठीक है बैच में मिलता है आपको टाइम सेविंग या मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग इज अ टेक्निक विच एनेबल्स मैनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स टू यूज़ ए कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम सेम टाइम के अंदर उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीटास्ंग इसे बोलते हैं ठीक है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फोन के अंदर क्या होता है सिंगल यूज़र है आप ही है जो उसे यूज़ कर पा रहे हैं साथ बैठा बंदा आपके सिस्टम वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर पाएगा ठीक है ये क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड इंटरनेट फोर यूज़ एंड कंप्यूटर या आप कंप्यूटर पे पीसी पे बैठे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा वो अपना पीसी पे कर रहा है ठीक है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मल इट इज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ मल्टीपल यूज़र ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स और टर्मलेस टू एक्सेस ए सिंगल सिस्टम लाइक बैंक के अंदर आप देख सकते हैं बैंक के अंदर अलग अलग इंप्लॉयज़ होते हैं लेकिन जुड़े वो एक ही नेटवर्क से होते हैं ठीक है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको हाथ हाथों इनपुट का आउटपुट दे दे सीधी सी बात है ठीक है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है कौन कौन सी बूट बूट करना किसे बोलते हैं ये पूछा जा सकता है आपसे बूट के भी दो टाइप हैं कोल्ड बूट एंड वार्म बूट जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है एज इट इज़ असेंशियल फॉर रनिंग ऑल द प्रोग्राम्स ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए चाहिए आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने के लिए ठीक है तो इसे बोला जाता है बोल boot, बूटिंग लेकिन कंप्यूटर स्टार्ट होना भी दो तरीके का होता है एक तो ऑन स्टेट से ऑफ में ले कर करना ठीक है तो इसे बोला जाता है कोल्ड बूट सॉरी ऑफ से ऑन में कंप्यूटर आप घर चले गए शट डाउन करके जब आए सुबह ठीक है तो आपने ऑन किया कंप्यूटर को इसे बोला जाता है कोल्ड बूट वार्म बूट में क्या होता है जब आप उसे रीस्टार्ट करते हैं री स्टार्ट मतलब आपने फोर्स फोर्स क्लोज किया उसको फोर्सली क्लोज़ किया और उसको फिर ऑन किया कोई दिक्कत आ रही थी आपने सोचा चलो री स्टार्ट कर लेता हूँ तो वो आपने सट डाउन करके ऑन नहीं किया वो आपने री स्टार्ट किया ठीक है तो इसे बोला जाता है वार्म वार्म बूट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आपको पता होना चाहिए एम वर्ड होता है ये किस लिए काम में आता है एक्सेल किस काम में आता है ठीक है एम एस पावर पॉइंट किस काम में आता है पावर पॉइंट वो है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये पीपीटी मैंने तैयार की हुई है ठीक है तो ये पी बनाने के रिप्रेजेंटेशन के काम में आता है ठीक है स्कूल या ऑफिस का वर्क होता है जो उसके लिए एक्सेल स्प्रेडशीट है जो आप अलग अलग डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अमाउंट ऑफ डाटा कुछ इसमें जो आप शॉर्टकट्स भी होते हैं कैल्कुलेशन आपके आसान हो जाती है डाटा स्प्रेडशीट के अंदर ठीक है एम एस वर्ड क्या है टेक्स्ट आप स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए एडिटिंग के लिए स्पेल चेक भी होता है मेल मर्ज होता है लिंक इम्बेड कर सकते हैं आप लिंक डाल सकते हैं किसी एम एस वर्ड की फाइल पे जब वर्ड पे उस पर क्लिक किया जाएगा क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं आप तो उसे वहाँ पे लिंक इम्बेड ऑलरेडी होता है तो आपकी किसी और साइट पे ले जाता है आपको लाइक like पीडीएफ में भी आपने देखा होगा ठीक है तो अब देखते हैं कुछ एक्सटेंशन जो इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है ये करवाने को मैं आपको ढेर भी करवा सकता था लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ नोट पैड वर्ड के वर्ड के अलावा जो आप जो टेक्स्ट में सीधा पैड पे लिखते हैं उसे डोट टी एक्स टी आपने देखा होगा कि जब आप देखते हैं बोल्ट बोल्ट डोट पी डी एफ होता है ठीक है तो इसे बोला जाता है एक्सटेंशन ये आपको डिनोट करती है कि किस टाइप की फाइल है डोट एम पी थ्री डोट एम पी फोर ठीक है तो फाइल एक्सटेंशन क्या है डोट टी एक्स टी ठीक है डाटा बेस में क्या है एम डी बी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप याद रखिएगा एग्जीक्यूटेबल इस फाइल को डॉट ई एक्स ई ठीक है वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट डी ओ सी या डॉट डी ओ सी एक्स एक्स क्या है एक्सटेंडेड वर्जन स्प्रेडशीट शीट एक्सएल एस एक्सल एक्सएल की सीट से आपको याद रह जाएगा ठीक है पावर पॉइंट डॉट पी पी टी और इमेज पी एन जी भी होती है जे पी जी होता है जी पी ई जी जे पी ई जी भी होती है ये क्वालिटीज डिफर करती है यहाँ पर ठीक है सबसे अच्छी क्वालिटी पी एन जी की होती है चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं ओली बोर्ड इज द न्यू ब्लैक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त जरूरत है थैंक यू थैंक यू सो मच